फ्रेंड्स, फाइनली आज आपके इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे व्यूअर वेटिंग में थे कि कब हमें मीटर रोकने वाला रिमोट देखने को मिले और उसे देखकर हम भी अपना रिमोट बना पाएं और इलेक्ट्रिसिटी बिल से छुटकारा पाएं। तो फाइनली दोस्तों, आज हम आपको लाइव प्रूफ बनाकर दिखाएंगे कि मीटर स्टॉप रिमोट कैसे बनता है। उससे पहले, अगर आपने मीटर बंद करने वाली पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही आप डायरेक्ट आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि रिमोट बनाने की प्रोसेस और उसे यूज करने का तरीका, ये सब मैंने तीन वीडियो में अलग अलग पार्ट बनाकर पूरा किया है। इसलिए इस फाइनल वीडियो को देखने से पहले आप उन वीडियो को देख लें, तभी आप अच्छी तरह समझ पाओगे कि ये सारी प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगी। अगर आप इन तीनों वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करते तो फिर मुझे कमेंट मत करना कि हमें कुछ समझ नहीं आया या फिर आपने वीडियो फेक बनाई है। पैसे आप लाखों बचाना चाहते हैं और वीडियो आप तीनों मिलाकर भी 15-20 मिनट की देख नहीं सकते, तो फिर मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता। टेक्निकली वीडियो है, ध्यान से समझना तो आपको पड़ेगा ही, तभी आप कुछ कर पाओगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन रिप्लाई मैं उसी का दूंगा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो फ्रेंड, रिमोट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक 8 पिन एटनी 85 माइक्रो कंट्रोलर फ्लाश आईसी। इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए हम इसे आर्डिनो बोर्ड पर लगाएंगे और फिर आर्डिनो बोर्ड का कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देंगे और आर्डिनो सॉफ्टवेयर ओपन करके जिस भी मॉडल के मीटर की प्रोग्रामिंग करनी है उसे सर्च करके आईसी को प्रोग्रामिंग कर देंगे। और प्रोग्रामिंग को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल स्लो करके ध्यान से देखें। अब हमारी प्रोग्रामिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और अब हम अपनी आईसी को आर्डिनो बोर्ड से बाहर निकाल लेते हैं। और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ब्लैंक पीसीबी की, और इस ब्लैंक पीसीबी पे पहले लगाएंगे एक आईआर एलईडी। और एक पुश बटन जो कि ऑन ऑफ का काम करेगा। और चार पुश बटन और लगाएंगे जो कि मीटर को आगे पीछे और उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करने के काम में आएगा, जिससे कि हम मीटर को स्लो करके भी छोड़ सकते हैं और इमरजेंसी ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। अब इस बोर्ड पे आईसी को लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे आईसी बेस का, जिससे कि आईसी हमारी सेफ रह सके, और इसे हम बोर्ड पे अच्छी तरह शोल्डरिंग कर देते हैं। और इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगेगी 1K 1.5K की,
वो भी इसके साथ हम लगा देते हैं। अभी हमारा रिमोट बन के रेडी है। अब हम इसमें आईसी को लगा देते हैं और ये हमारा रिमोट कंप्लीट तैयार है और इसे हम एड्रिनो बोर्ड पे चेक कर लेते हैं। अब आप इसे अपने हिसाब से मीटर पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।